बसपा प्रमुख मायावती इन कुछ दिनों से लगातार बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी की पोल भी खुल रही है, जिससे बीजेपी चिढ़ी हुई है। इसीलिए अब बीजेपी ने मायावती पर तंज कस दिया है, जिसको सुनकर उन्हें गुस्सा आ सकता है। बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हुए मायावती को घेरने की कोशिश की है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती ने सबको चौंका दिया, जहां उन्होंने बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और ये तक कह दिया कि बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा हिंदू बनने की होड़ मची हुई है। अब इस बयान के बाद बीजेपी भड़क उठी है और इस पर पलटवार कर रही है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मायावती का पलटवार करते हुए कहा, हमारा कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, हमने संकल्प पत्र में जो बात कही है वो कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं और हम हिंदू परंपरा और हिंदू आस्था को मानने वाले लोग हैं। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व के सवाल पर भी जवाब दिया और कहा कि वो लोग कंफ्यूज हैं। तो कुछ इस तरह बीजेपी की तरफ से मायावती को जवाब मिला है, उनके बयान का पलटवार किया गया है। फिलहाल आपको बता दें, मायावती ने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा हिंदू बनने की होड़ मची हुई है। इसके साथ ही दोनों की पोल खोलते हुए उन्होंने बताया था कि कैसे दोनों मिलकर धर्म की राजनीति करते हैं। अब देखिए, बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व का समर्थन करती आई है, इसका मुद्दा उठाते आई है, वहीं मायावती हर धर्म का समर्थन करते आई है। हिंदू मुस्लिम दलित मायावती सबके लिए आवाज उठाते आई है, इसलिए उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है। चलिए अंत में आपको मायावती का वो पूरा बयान सुनाते हैं। जाते जाते बताइएगा जरूर कि जिस तरह से बीजेपी ने मायावती पर तंज कसा है, उस पर आपकी क्या राय है। कि पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में, अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का वे उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यहाँ ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही